कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी, उसमें कलकत्ता की जो घटना बताई थी उसमें बताया था कि लेखक और उनका जो मित्र है मतलब गया, दोनों गुल्ली डंडा खेलते हैं और लेखक पहले अपने मित्र को बताता है, पर जब उनकी बारी आती तो वो बदना नहीं चाहता है ना, वो भागने देखता है। उसके बाद उसी बीच में पर लेखक और उसको अमृत खिला देता है ताकि वो मुझे ना पटाए, लेकिन वह नहीं मानते। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी स्थानांतरण हो जाता है दूसरी जगह। तो जो लेखक है बहुत खुश है कि मतलब अब मैं अच्छी बड़ी जगह जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें होगी वहां पर, अच्छा माहौल होगा, ऐसा करके। अब देखिए आगे की जो घटना है वो हम आज बता रहे हैं। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। डाक बंगला यानी क्या होता है, क्षेत्र के दौरे पर जाने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए ठहरने के लिए बनाए गए भवन। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। आगे किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था। जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उसी उस धरती से लिपट कर रहूं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़के को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। सहमी ठाड़ में रौब और अधिकार के वातावरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटी यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे स्वर में कहा, कौन गया, गया चमड़ा? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में हो, है ना, मजे में मतलब अच्छे हो, बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। तो वो जो लेखा तुमने बोले, हाँ मैं तो अच्छा हूँ, तुम कहो कैसे हो? डिप्टी साहब का साइज यानी घोड़ी की देखभाल करने वाला, है ना। मतलब मोहन दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है ना, और जो साथी थे उसके बारे में, उनके बारे में जो लेखक है गया से पूछ रहे हैं। मतलब तो मर गया, दुर्गा और मोहन डाकिया हो गए हैं, यानी पोस्टमैन हो गए हैं, आप मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ, ऐसा लेखक ने बताया। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अब गुल्ली डंडा सरकार आप तो पहले ही बड़े जहीन थे यानी बहुत अच्छे थे, पहले से ही अच्छे तो क्यों नहीं बनेंगे, साइंस की तरह बोल रहा है वो गया। अब बोलते आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो, उससे पूछे लेखक ने। तो गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा, अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती, यानी जो मैं काम करता हूँ उससे ही छुट्टी नहीं मिलती। आगे देखिए, आओ आज ही तुम खेले, तुम बताना हम बदेंगे, तुम्हारा एक दाम हमारे ऊपर है वह आज ले लूंगी, यानी बोलते हैं कि मैं उस समय पता नहीं था तुमसे, तो अब वो बच्चा है ना, तो अब तुम मुझे बता देना। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, बट ठहरा टके का मजदूर, है ना। फिर बोले, मैं बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़, बेचारा छेद गया, लेकिन मुझे भी कम छेद नहीं थी, मुझे भी सारा मारा थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी, उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर बगैर खेले तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस से ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले, साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन अब गया अभी तक इसे मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ना था, शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। बच्चों पहले ही आप जान रहे हो कि इस कहानी में धर्म प्रतिष्ठा ये सबको बड़ा रखकर बताया, तो अब जो है लेखक क्या बन गए हैं, इंजीनियर बन गए, है ना। तो अब उनके साथ गया
मतलब गया को खेलने में क्या हो रही है, शर्म महसूस हो रही है, इसलिए वो खेलना नहीं चाहता और वो खुशी जो पहले उसके मुंह पर थी वह अभी नहीं। तो बच्चों आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं और दो दिन और ये चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, तो जितने भी मीनिंग आएंगे आप उन्हें